आज अक्षय तृतीया यानी अक्षय तीज के पावन अवसर पर सोने चांदी की खरीदारी के साथ साथ कई आयोजन भी किए गए। अक्षय तृतीया को हिंदू धर्म में एक पावन दिवस माना गया है। इस दिवस पर शुभ मुहूर्त होने से खरीदारी का खास महत्व है। अक्षय तृतीया के दिन सोने चांदी की खरीदारी लोग शुभ मानते हैं। ऐसे में सूरत में कई ज्वेलर्स के वहाँ सोने चांदी की खरीदारी के लिए सुबह से ही लोगों की भीड़ देखने मिली। पिछले कुछ दिनों से सोने के दाम 10% जितने घटे हैं, जिसका उत्साह लोगों में देखने मिला। अक्षय तृतीया का मुहूर्त अक्षय तृतीया का दिन पे अखंड मुहूर्त माना जाता है। लोग इस दिन के लिए खरीदी के लिए काफी दिन से राह भी देखते हैं। आज के दिन पे सोना चांदी तथा हीरा के दागिना की खरीदी की जाती है। उसके साथ साथ में ये टाइम पे थोड़ा सा मैरिज कम होने से, लग्न सराह थोड़ा कम होने से ये टाइम पे थोड़ी खरीदी कम है, पर लोगों को जो खरीद करना चाहते हैं और जो लोग खरीद करते ही है अक्षय तृतीया के दिन पे, उन लोगों की काफी ग्राहकी हमारे यहाँ आज के दिन पे है। लोगों ने काफी लाइट ज्वेलरी काफी लोगों ने बुकिंग भी करवाई थी, तो गोल्ड के कॉइन्स, सिल्वर के कॉइन्स और उसके साथ साथ में लाइट वेट ज्वेलरी भी आज के दिन पे काफी बिक रहे हैं। गुजरात के अरवली जिले में आज रोहिणी नक्षत्र में अक्षय तृतीया का अनोखा संगम देखा गया। इस मौके पर मोड़ासा के इसरोल गांव में जिले के किसानों द्वारा अक्षय तृतीया का पर्व मनाया गया। किसानों ने बैल, हल और आधुनिक खेत संसाधनों की पूजा अर्चना कर अच्छी फसल की कामना की। अक्षय तृतीया से किसान फसल लेने की शुरुआत करते हैं। ऐसे में किसानों ने खेत में हल चलाकर अक्षय तृतीया पर्व को उत्साह के साथ मनाया। अक्षय तृतीया पर वडोदरा जिले के डबोई में भी किसानों ने खेत में पूजा करते हुए इस खास दिवस को मनाया। किसानों के लिए आज के दिन को नया साल माना जाता है। खेतों में हल चलाकर किसान खेती का प्रारंभ करते हैं। ऐसे में डबोई के किसानों ने भी अपने खेत में पूजा कर अच्छी फसल की प्रार्थना की। आज ना दिवस है अक्षय तृतीया ना दिवस है अक्षय तृतीया ए दिवस ना त्यौहार कहेवामां आवे छे। खेडूत पुत्रों नो सौथी मोटा मोटो त्यौहार छे वर्ष नो, अने ए दिवसे अमे अमारा मित्र एवा એમના ખેતરમાં આજે અક્ષય તૃતીયાનું પૂજન કર્યું છે, અને પૂજન કર્યાની અને આ જાણ કરીએ છીએ કે આજના દિવસથી આ ખેડૂત પુત્રોનો સૌથી મોટો તહેવાર કહેવામાં આવે છે, જેને કરીને ખેડૂતોએ પોતાનો તહેવાર મનાવવો જ જોઈએ।